तो मेरे मेरे दुकान पे 11 बजे पुलिस वाले आके कह रहे हैं कि इसको बंद करो, नहीं तो वरना सब फेंक दूंगा। अब इस सूरत में मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जी यही कह रहा है कि कहीं जाके जान दे दूं। पूरा एहतियात कर रहा हूं, हर कुछ कर रहा हूं, मैं लॉकडाउन किसी तरीके से नहीं तोड़ रहा हूं। उसके बाद भी मैं पता नहीं कहां से मेरा कारोबार बंद हो गया। मैं सिलाई मशीन मैकेनिक हूँ, मैं पता नहीं कहां से जोर जपट्टा करके लाया हूं, तो कलिंगड़ भी लेके आया हूं, तो कल मैं लगाया था तब खराब हो गया था, आज फिर थोड़ा खरीद के लेके आया हूं। तो मेरे दुकान पे 11 बजे पुलिस वाले आके कह रहे हैं कि इसको बंद करो, नहीं तो वरना सब फेंक दूंगा। अब इस सूरत में मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जी यही कह रहा है कि कहीं जाके जान दे दूं। अब आप मेरे को अब ये बताओ, जब सरकार ने आपको 3 से 12 बजे का टाइम दिया है धंधा लगाने का, तो उसके बीच में आपको क्या परेशानी हो रही है, कौन परेशान कर रहा है? और मैं अपनी दुकान पे खोल के बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि रोड पे बैठा हूँ। मेरी खुद की दुकान है, उसका मैं किराया देता हूँ। हाँ, अभी चलो किराया नहीं लिया जा रहा है, गवर्नमेंट का आदेश है, लेकिन मैं तो पहले से लिया हूँ ना, मैं तो पहले से इसका किराया दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, ये बाल अगर मेरा बच गया है और सड़ गया तो मैं कहाँ से जिससे पैसे लाए उसको पैसे दूंगा, और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास 10,000 रुपया था, तब खत्म हो गया इतने दिन में, अब मेरे पास पैसा नहीं है। आपकी सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहते हो सरकार से? मेरी मांग यही है कि या तो लॉकडाउन ये खोल दिया जाए, और या तो फिर हर किसी को पैसा दिया जाए जो अपने अपने घर में रिहायश करे, आदमी लेटे जैसे सब लेटे हुए हैं, बड़े बड़े लोग वैसे गरीब आदमी भी लेटे, रोड पे नहीं बैठा गया 100 के हम लोगों को। सरकार ने तो आपको कहा कि आपको खाते में पैसे दिया गया है, राशन दिया गया है, कि आपको पैसा और राशन मिला है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला है, हमारे पास राशन कार्ड था, राशन कार्ड हमारा घूम गया है, राशन कार्ड जल्दी बनता नहीं है, और हमारे पास पैसा भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग पैसा लेते हैं। अब मैं इस सूरत में करूँ तो क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही रास्ता दिख रहा है कि जाके फांसी लगा के जान दे दो। आप सुबह में कितने बजे धंधा लगाए? मैं सुबह में 7 बजे आया हूँ, और वही 11:15 बजे पुलिस वाले आके सबको सबका धंधा बंद करवा दिए, पूरे मुमरा देवी का। तो उन्होंने कुछ आपको कुछ बदतमीजी करी आपके साथ में? आपका बदतमीजी क्या करे, बद बंद करो नहीं तो वरना फेंक दूंगा, अब खिलाऊंगा, अगर मिल गए तो कोई माल तुमको मिलेगा नहीं, ये सब बातें हैं। तो आप जो रात में 3 बजे से लेके 12 बजे तक का आपको टाइम दिया सरकार ने जी, उसके बीच में आप लोग धंधा सब लगाते हैं, तो उसके बीच में भी आपको पुलिस वाले आके या कोई म्युनिसिपैलिटी वाले आके हैरान परेशान करते हैं? हमने रफीक कामदार से 2 मरतबे फोन करके कहा, हमारे उनके तालुकात है अच्छे, हमने उनसे 2 मरतबे कहा कि रफीक भाई ऐसा करो, ये सुबह के बजाय शाम को करवाओ, अब तारीख का टाइम है, आदमी दोपहर में सो के उठता है, शहरी तो रात को होती है 3-4 बजे, शहरी से कोई मतलब ही नहीं किसी को, ना गवर्नमेंट को मतलब है, ना हमको खुद को मतलब है। हमारे कुरान और हदीस में लिखा है कि ये रोजा रखना है, तो हमको रोजा रखना है, बस वो हम भूखे रख के रहें चाहे प्यासे रह के रहें, हमको रोजा रखना है हर सूरत में, और नमाज पढ़ना है। आके भगा देती है, हमारे यहाँ जीवन शैली इतनी बेकार हो चुकी है कि हम दिन भर कमरे में बंद पड़े रहते हैं, हमको कुछ पूछने भी नहीं आता है, ना कोई बाहर निकलते तो पुलिस वाले मारते हैं, हम करें तो करें क्या, न हमें अनाज मिलता है, न खाना मिलता है, न घर जाने का कोई जरिया मिलता है। अब हम लोग की आपसे यही गुजारिश है, कृपया करके हमको हमारे वतन पहुँचा दीजिए, हम लोग बहुत अत्यधिक परेशान हैं यहाँ पे, हमसे आप बस यही गुजारिश है, हमको आप यहाँ से हमारे वतन पहुँचा दीजिए, हमको सरकार थोड़ी मदद करे, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारे इलाके में जो शानू भाई है उन्होंने काफ़ी मदद की है हमारी, लेकिन अनाज से पेट नहीं भरता, हमारे बीवी बच्चे बाल बच्चे हमारे माता पिता सब हमारे गाँव में हमारी इंतजार कर रहे हैं, उनको खाली बस हमसे सरकार से गुजारिश है कि आप जो हैं जितने हमारे उत्तर भारतीय आप टोटल कितने आदमी हो? सर हम लोग टोटल मिला के 50 आदमी हैं। 50 आदमी हो तो आप पहले मुमरा शहर में आप लोग 50 आदमी हो तो आप पहले क्या काम करते थे? पहले सर हम लोग यही फुटपाथ पे ठेला वड़ा पाव ये फल फ्रूट की गाड़ियाँ सब्जी की गाड़ियाँ पानी पूरी ये सब हमारे पूरे गांव के समाज के लोग हैं ये हम लोग बेचते हैं। तो अब आप गांव जाना चाहते आपका गांव कौन सा है? आपके गांव का नाम क्या है, शहर का नाम क्या है आपके? हम लोग यूपी रायबरेली के हैं, सोनिया गांधी के क्षेत्र के, यूपी रायबरेली सोनिया गांधी के क्षेत्र के हैं, बैसवारा लाल गंज हमारा गाँव है,
उस क्षेत्र के हम 50 से 60 लोग हैं साहब। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमको हमारे वतन, हमारे माँ बाप के पास हमें परिवार पहुँचा दो, क्योंकि हमारी मदद करने वाला यहाँ ना प्रशासन है, ना प्रशासन के आदमी है, ना हमको यहाँ धंधा करने दे रहे, ना काम करने दे रहे। हम साहब बहुत परेशान हैं, हमको यहाँ से बस भेज दीजिए, बस हम इतने चाहते हैं। तो जो भी आप यहाँ धंधा लगाते हैं, जो भी फ्रूट भाजी जो भी बेचते हैं आप लोग, तो इनका कोई टाइम नहीं है, ये कभी भी आते डंडे मारने। तो सरकार ने तो आपको टाइम दिया ना, रात 3 बजे से लेके 12 बजे का टाइम दिया ना सरकार ने आपको। ये लोग सुबह 4 बजे 5 बजे आपको चाहिए तो मैं वीडियो आपको क्लिप में भेज सकता हूँ, ये सुबह 5-6 बजे आके हमको मारते हैं। अमृत नगर दरगाह गली आप कभी भी आ जाइए, देखिए हमको धंधा तक लगा देते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी भी आते हैं मारते भगाते हैं, गाड़ी आप माल पलटी कर देते साहब, क्या करें, यहाँ वहाँ से हम कर्जा लेके माल लाते हैं और ये परेशान कर रहे हैं साहब। हम लोग से यही गुजारिश, सबको हमारे वतन भेज दिया जाए उत्तर प्रदेश में, हम यही चाहते हैं सरकार से, हमारी यही गुजारिश। तो आपके जो गांव में है, जो भी वहाँ की सरकार है, यूपी की सरकार है, वहाँ से आपका कुछ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कुछ आपको कुछ पूछा है? व्हाट्सएप पे नंबर आए हुए, लेकिन वो हमेशा व्यस्त बताते हैं, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, और यहाँ की सरकार भी कोई रिप्लाई, हम कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा साहब। और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, खुद कोरोना से एडमिट है, और यहाँ कोई भी प्रशासन का ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हमारी मदद कर सके। यहाँ इतने भूखे गरीब हैं जो बेचारे अनाज को तरस रहे हैं, दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तो सरकार तो बोल रही है क्या, सरकार ने तो पैसा भी भेजा अकाउंटों में और राशन भी सरकार दे रही है? कुछ नहीं, खाली कागजी कार्रवाई है, वो पूरी कागजी कार्रवाई है, खाली कागज सब कागज में दिखा देते हैं और सरकार मान जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कुछ नहीं है साहब। यहाँ पे आप एक बार आके देख लीजिए, आपको गलत लगता है मेरे पास, आप मुआयना करिए, आप अपने पर्सनल ऑफिसर भेजिए, देखिए यहाँ पे क्या हालात है मुंबरा के। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पर्सनली आप आइए, यहाँ पे मुआयना कीजिए, एक हफ्ते को समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हालात है। यहाँ अधिकतर नौकरी पेशा वर्ग कोई नहीं है, सब मजदूर आदमी है, गरीब पद, मुश्किल से 5% जो नौकरी पेशा वर्ग है, बाकी 95% है जो अपने छोटे मोटे रोजगार करके यहाँ पे व्यापार करके हाथ गाड़ियों में या होटलों में या तो कहीं ढाबों पे कहीं भी भाजी मार्केट में व्यापार करके अपने बच्चों का घर परिवार पाले, लेकिन वो भी मुसीबत आ चुकी है, पुलिस वाले हमको करने दे नहीं रहे, ना कोई टाइम लाइन है, ना कोई गाइडलाइन है इनकी, ये हमको बताते भी नहीं, आप ये समय से धंधा लगाइए तो हमको परेशान नहीं करेंगे, ये जब आए तब हमको भगा देते हैं, हम साफ करें तो करें क्या, हमारा माल का पैसा भी निकल, रूली का पैसा भी नहीं निकल रहा साहब, क्या करें बताइए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है, हमने गरीब का काम करता हूँ, अभी गरीब लॉकडाउन की वजह से गरीब यही सब जो है बंद हो चुका है, तो मैं मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, तो मैं छोटा मोटा यहाँ पे कुछ पैसा मैंने इससे किसी से उधार लिया, और उधार लेके मैं भी धंधा भाजी जी का धंधा लगा रहा था। तो ये लोग क्या करते, पुलिस वाले जब भी आते तो मारते। तो क्यों मारते पुलिस वाले आपको, क्यों मारते आप? कुछ ऐसा मास्क नहीं लगा के करते या भीड़ आप या भीड़ जमा करते हो या कुछ ऐसा, तो उनको मारने का तो कुछ राइट ही नहीं है ना? जी नहीं। तो तुम्हारे को टाइम दिया है, सरकार ने टाइम दिया है, वो टाइम हम लोग बंद करते थे, 3 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइमिंग है, तो हम लोग वो टाइम से पहले ही बंद कर डालते, 12 बजे का टाइमिंग है, 12:15 बजे हम बंद कर डालते। तो तुम्हारे भी क्या मांगे सरकार से, क्या चाहते हो सरकार से? ये मेरे घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे छोटे दो भाई बहन है, घर पे और भी लोग हैं, तो मुझे बस यही कहना है कि ये लोग जो मार रहे हैं या तो फिर हम लोग को पैसा दे कि हम अपने घर पे बैठ के अपने भाई बहनों को खिलाए, या तो फिर हमें काम धंधे करने दे। तो आपको भी सरकार की तरफ से कुछ राशन कुछ पैसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो आप जो भाजी का धंधा लगाते हो उसमें भी पुलिस आके म्यूनसिपालिटी वाले आपको हैरान परेशान करते हैं क्या? जी हाँ, आज भी पुलिस वाले आए थे यहाँ से, जब जा रहे थे वो लोग ने बोले कि धंधा बंद करो। आपका नाम क्या है? जमील शेख। जी हाँ। आपकी क्या परेशानी है? मेरा परेशानी यही तो है। आप कहाँ पे रहते हो? दीवा में। तो दीवा से कैसे आए यहाँ पे? पैदल आया। पैदल आए हो, तो क्या परेशानी है आपको? सर ये दवा के लिए आया था पैदल। बोलो। दवा नहीं मिल रहा है बराबर, इधर तकलीफ ज़्यादा है, खाने का नहीं मिल रहा है बराबर, उधर कुछ राशन पानी नहीं है। तो सरकार ने तो वहाँ सबको राशन पैसे सबको पहुँचाए हैं, तो आपको कुछ नहीं मिला है? हम लोग का कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला। आप काम क्या करते हो? सिलाई का काम करते हो। तो अभी तो सिलाई का काम पूरा बंद है लॉकडाउन के हिसाब से, तो आप फिर कुछ छोटा मोटा कुछ काम धंधा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। तो दीवा में आप अकेले हैं या आपके जैसे जैसे और भी कोई है वहाँ पे? है, बहुत से लोग हैं। तो आपको खाना भी नहीं मिल रहा है दीवा में? जी नहीं। और तुम्हारा राशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं। सरकार ने पैसा भेजी है, सबके खातों में पैसा भेजी है, आपको राशन खाना पैसा मिला क्या? कुछ जी कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। तो सरकार का तो कहना है कि हम सबके खातों में पैसा राशन जी, हम लोग का कुछ भी नहीं मिला।
तो आप अभी यहाँ पे क्या लेने आए हो? इधर दवा के लिए आए सर, थाना जा रहे थे दवा के लिए चल के, और उधर जो है ना साबे गांव में लाइन लगा था, उधर हम लोग लाइन लगाया राशन के लिए, बोले कि राशन कार्ड जिसका रहेगा उसी को मिलेगा। तो आपका जो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड पे तो राशन दे रही है ना सरकार? राशन कार्ड पे दे रहे हैं जी, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका क्या है? नहीं, वो जिसका राशन कार्ड भी नहीं उसको भी सरकार दे रही है? नहीं तो हम लोग का नहीं दिया ना सर। तो आप गए थे लेने के लिए? हाँ गए थे ना। तो आप दीवा में कौन सी जगह रहते? दीवा में मैं रहता इधर श्लोक नगर में। श्लोक नगर में जी हाँ। तो वहाँ जो राशन डीलर जो भी है उससे उसके पास गए थे आप? उसके पास हम लोग गए थे, उसने क्या बोला शिवसेना ऑफिस में जाओ, उधर से टोकन लेके आओ, नहीं उधर जाके पहला पेपर जमा करो। मैं बोला सर हम लोग दो दो तीन तीन पेपर जमा कर चुके। अच्छा। और कोई मालूम उधर से ना कोई राशन है ना कुछ नहीं। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? हम मदद चाहते हैं सर। कैसी मदद? मतलब राशन पानी का मदद चाहते हैं। राशन पानी, थोड़ा पैसा, दवा का? तो आपके घर में कोई और दूसरा कोई है कमाने वाला? नहीं और कोई कमाने वाला नहीं। आप अकेले हो कमाने वाले?